अगर आपकी शादी का 4 दिन हुआ है, इस लुक को ज़रूर ट्राई करना। आपकी फैमिली खुश हो जाएगी आपको देख करके, और भर भर के पैसे मिलेंगे आपको। तो यहाँ पे मैंने जो है अपने फेस को मॉइस्चराइज करने के लिए बायोटिक का मॉइस्चराइज़र एज अ क्रीम वाला मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है, और अपने फेस को प्राइम अप करने के लिए ये नायका का प्रेप मी अप प्राइमर यूज किया है मैंने। अपने ओपन पोर्स की जहाँ पर भी प्रॉब्लम है वहाँ पर अच्छे से मैं इसको लगा ले रही हूँ। अब देखा हम मेरा तो है बहुत ही ज़्यादा डार्कनेस का प्रॉब्लम अभी, बिकॉज आई एम अ वर्किंग वूमेन, दैट्स वाई। तो मैं भर भर के कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ जहाँ पे मेरे डार्क एरिया हैं। तो डार्क एरिया पे अच्छे से कंसीलर लगा लेंगे, बुझे हैं, और अपना जो डार्कनेस है उसको हाइड कर देंगे, ताकि जो मेकअपवा के पीछे है ना वो किसी को ना दिखे, बुझे हैं। इतना करने के बाद जो है अगर फिर भी आप सुंदर ना लगे तो मुँह को काट के फेंक दें। उसके बाद मैंने यहाँ पे यूज किया है ये वाला मैक का फाउंडेशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा महंगा है, पर क्या करें, वीडियो बनाते हैं तो महंगा चीज़ तो लगाना ही पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चीक के फाउंडेशन लिया है, और आप देख सकते हो कि ये जो है कितना अच्छा मेरे चेहरे को चमका रहा है, एकदम से थौ के दिन बदल दिया, रात बदल दिया, जज्बात बदल दिया। तो इसको अपने कंठवा के नीचे भी लगा लेंगे अच्छे से, ताकि घर में किसी को पता ना चले कि हम करिया हैं, नहीं तो मुंह लगेगा दूसरे कलर, आ कंठ लगेगा दूसरे कलर, तो सब समझ जाएगा कि मेकअपवा का कमाल है। तो यहाँ पे आँख को जो है ना थोड़ा सा लाल लाल दिखाने के लिए एक ठो आई शेडो का मैंने यूज किया है, जो कि है NK का, NK कंपनी का नाम है इसका, ठीक है। ज़्यादा महंगा भी नहीं है, इजीली आपको मिल जाएगा ऑनलाइन, चाहे आप पर्पल से लो, चाहे नायका से लो, चाहे कहीं से भी लो, ठीक है। मीशो से मत लेना, मीशो पे जो है मेकअप का प्रोडक्ट नकली मिलता है, तो आप लोल बन जाओगे, बकलोल, बिहारी भाषा में बोलूँ तो बिक बकलोल, ठीक है। इसको अपने बिना ब्रश यूज किए हुए उंगली से ही लगा लेंगे, क्योंकि भाई जुगारू तो बिहार का इंसान होता ही है, पता ही है। तो इसको उंगली से ही लगा लेंगे, तब तक लगाएंगे जब तक मेरे मनचाहा कलर ना मिल जाए। यहाँ पे है ना स्विस ब्यूटी ब्रांड का जो है मटेलिक आई शेडो, उहे यूज किए हैं अपने अखवा को चमकाने के लिए। इसको भी धर धर के लगाएंगे, भर भर के लगाएंगे। लेकिन एक बात पता है, लगाने के बाद हमको ऐसा पता चला ना अंदर से कि ये तो मैच ही नहीं हो रहा मेरे साड़ी के साथ, तो हम बुर्बक बन गए। तो फिर क्या था, 20 रुपया में लोकल मार्केट से लेके आए थे ये वाला आई शेडो, तो सोचे ये लगाएंगे। तो जब ये लगाए तो मेरे साड़ी के साथ परफेक्ट मैच हो रहा था ये। तो हम सोचे हम भी कभी कभी बुर्बक ही बन जाते हैं। अभी चिड़िया वाला आई मेरा जो आईब्रो है उसको सेट करने के लिए एक करीकबार जो आईब्रो फिलर होता है ना, ये हम यूज इस वीडियो में लगाए हैं, ताकि मेरा आईब्रो जो है ना कियारा आडवाणी की तरह थोड़ा थोड़ा मोटा दिखे, क्योंकि तो बहुत पतला है मेरा आईब्रो, तो ये समझ में ही नहीं आता है। लेकिन उसमें भी हमको सेटिस्फैक्शन नाम का चीज़ नहीं है, क्योंकि हमको जो है ना कियारा आडवाणी की तरह मोटका आईब्रो नहीं चाहिए। शादी के बाद जाएंगे और पतला आईब्रो रहेगा तब ना फैमिली लोग बोलेगा कि मेरी बहू जो है नेचुरल रहती है, ज़्यादा मेकअप नहीं करती है, उनको क्या पता वीडियो के पीछे का सच्चाई। तो यहाँ पे जो है ना कपड़े की हेल्प से हम इसको रिमूव कर देंगे, ताकि जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लगा है वो निकल जाए, बुझे हैं। हाँ, उसके बाद गाल को थोड़ा सा पिंक करने के लिए, अब नेचुरली भगवान तो दिया नहीं है तो कहाँ से लेके आएंगे, तो ये जो मेकअप बनाया है इंसान उसी को इस्तेमाल करके चमकाएंगे अपने आप को। तो इसीलिए हम जो है यहाँ पे बलसबा का यूज कर रहे हैं, और ये वही बलसबा है जो कैटरीना कैफ प्रचार करती हैं, देखे होंगे आप लोग टीवी पे, के ब्यूटी ब्रांड वही है ये। हाइलाइटरों को अच्छे से लगाएंगे चमकी को अपने नाक के नीचे, ताकि नाक जो है ना थोड़ा खरा खरा लगे,
और ठोड़वा के नीचे भी लगा लेंगे और आईब्रो के नीचे भी लगाएंगे, ताकि हम लोगों का आँख जो है ना वो बिल्ली जैसा ना लगे, थोड़ा सा खुला खुला जैसा लगे, ठीक है। इसको ज़रूर फॉलो करना बहुत ज़्यादा, ये अपने आपकी वीडियो में चार चांद लगा देगा, चार चांद। तो इस वाले ट्रिक को ज़रूर फॉलो करना, सीरियसली बता रही हूँ। उसके बाद जैसे कि हम लोग बिहार में है रहते हैं, तो उसके हिसाब से ही भाई मेकअप करेंगे ना, तो उसके लिए जो है आईब्रो, ये कथी बोलते हैं इसको, कौन चीज, हाँ आईलाइनर लगाएंगे। ज़्यादा बड़ा कोन कोनी फोनी नहीं निकालेंगे, नॉर्मल सा एक ठो लाइन ड्रॉ कर लेंगे सिंपल सा, जो कि किसी को पता भी न चले कि आईलाइनर लगाए हैं कि कथी कौनची लगाए हैं, तो सिंपल सा ही लगाएंगे, ठीक है। और नहीं तो मेरी सास को है ना ज़्यादा मेकअप पसंद नहीं, तो वो उठा के मुझे घर से बाहर फेंक देगी, पूरा दिन मेकअप में डूबी रहती है उनको, तो इसीलिए सिंपल सा ही ट्राई करेंगे। यहाँ पे है ना भगवान ने एक चीज़ में बहुत कमी कर दिया, भगवान ने मेरे आईब्रो ही नहीं, सॉरी ये लैशेस ही नहीं दिए मुझे, तो इसके लिए क्या करें, मस्कारा का यूज़ करना पड़ता है जो कि मेबलिन का है, और ये वाटरप्रूफ मस्कारा भी है। यहाँ पे है ना वाइट ब्लैक काजल हमर की कहिए ख़त्म हो गया था, तो वाइट काजल का यूज़ किया है मैंने, मजाक कर रही हूँ। वाइट काजल मैंने इस वीडियो में इसलिए यूज़ किया है ताकि हमारा लुक जो है और भी ज़्यादा इन्हेंस होके निकले। अभी आप देखो वाइट काजल जो है ना गेम चेंजर है, इसको लगाते ही मेरी आईज़ का लुक आप देख सकते हो। तो अगर आपकी नई नई शादी हुई है और आपको सिंपल सा डिसेंट सा मेकअप करना है, तो इसको ज़रूर ट्राई करना। यहाँ पे लिप लाइनर के लिए यूज़ किया है मैंने ट्रू लिप लाइनर, ट्रू लाइन का लिप लाइनर आता है उसको, और अपने ठोर को ललका ब्लूका का जकबा कलर को छोड़ करके यहाँ पे मैंने चूज़ किया है ये न्यूड सा कलर। आप बिलीव नहीं करोगे, ये लिपस्टिक मैंने तीसरी बार ख़रीदा है पर्पल से जा कर के, और इसका शीट जो है ना इतना ज़्यादा प्यारा है, मतलब मैं जितना भी बोलूँ इस शेड के बारे में बहुत ही कम है, और प्राइस वाइज भी काफ़ी ज़्यादा सही है। और जो मेरे मेरे टाइप के स्किन के लोग हैं, जैसे कि मेरा मीडियम कवरेज वाला जो होता है ना वैसा स्किन है मेरा, ना ज़्यादा फेयर हूँ ना ज़्यादा डस्की हूँ, मतलब नॉर्मल, उसके साथ ये परफेक्ट जाता है लिप लाइनर, ठीक है। अभी ऐसा फील हो रहा था कि कनी किसवा को खोल लेते हैं और इस सैया जी के नाम का सिंदूर लगा लेते हैं, थोड़ा सा चूड़ी पहन लेते हैं, चूड़ा जो कि मैंने पहना है यहाँ पे, आपके पास बिहार में इंसान लहठी पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आप लहठी पहन लेना भर भर के, बिंदी लगा लेना, ज़्यादा बड़ा बिंदी, मेरा मुंह छोटा है तो बड़ा बिंदी अच्छा ही नहीं लगता। एक तो पुश्तैनी हार पहन लेना, जो भी पुश्तैनी हो आपके पास, इयररिंग पहन लेना, बाल खोल लेना, सर पे पल्लू रख लेना, और बस आपकी सास जो देखने आएंगे आपको फैन कितना सुंदर। एंड मैंने इस लुक में ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं ऐड किए हैं, बहुत ही बेसिक से चीज़ों से मैंने इस लुक को क्रिएट किया है। अगर आपकी नई नई शादी हुई है और आप भी मतलब मेरी तरह रिसेंट दिखना चाहते हैं, कैसे भी इस वीडियो में आपको दिख रहा है, तो इस लुक को कम्प्लीट करने के लिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, तभी आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली आपको क्या क्या चीज़ें जो हैं अपनी वीडियो में ऐड करनी पड़ेगी। एंड जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए हैं सारे के लिंक में जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो मेक श्योर कि आप चेकआउट जरूर कर लेना, एंड ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये जो है वीडियो आज का थोड़ा सा बिहारी टोन में बनाने वाली हूँ, तो आई होप जो बिहार के वासी हैं उनको भी पसंद आए, वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड वीडियो अच्छी लगी होगी तो मिलती है ऐसी ही वीडियो के साथ।